किशनगढ़ बास नगर पालिका चुनाव 2020 में वार्ड नंबर 12 से पार्षद चुनाव लड़ रहे विनोद पवार के कार्यालय के उद्घाटन में भारी मात्रा में जनसैलाब उमड़ा है। जनसैलाब के बीच विनोद पवार ने लोगों से आग्रह किया कि मेरी दिली इच्छा है कि मैं अपने वार्ड की जनता की निरंतर सेवा कर सकूं, वार्ड की कोई भी समस्या हो उसके समाधान के लिए मैं कार्य कर सकूं। उन्होंने अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। काफ़ी मुद्दे हैं इस वार्ड के लिए। एक तो नालियां हैं, बिल्कुल आप देख रहे हो ये वार्ड 12 में ही खड़े हैं अपन, कोई भी नालियां देख लो बनी नहीं है, नई सड़कें बनी हैं, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है, सूर हैं इधर डोल रहे हैं, कोई सफाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये वार्ड बहुत ही पीछे है, आज की तुलना में नगर पालिका में वार्ड नंबर 12 बहुत पीछे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जनता ये वार्डवासी मेरे को मौका दें और मैं इनके प्रति लगन मेहनत से काम कर सकूँ, मैं इनके बीच रहूँगा सदा, यही आशा करता हूँ। वहीं उद्घाटन समारोह में उपस्थित सूरजभान कच्छावा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विनोद पवार एक जुझारू प्रवृत्ति के युवा हैं। इस बार आप सभी उनको जिताकर एक मौका दें और आने वाली 11 दिसंबर को भारी बहुमतों से उन्हें विजयी बनाएं। इस वार्ड में एक जुझारू संघर्षशील युवा बालक आपके इस वार्ड से चुनाव लड़ रहा है, जिसका चुनाव चिन्ह अलमारी है, आपके बीच में रहा है, आप लोगों ने इसको अजमाया है, देखा है, इसके अंदर एनर्जी है, इसके अंदर अभी पावर है, आप लोग इसे एक मौका दें, इसको इस वार्ड से चुनकर नगर पालिका के बोर्ड में भेजें। ये बहुत ही संघर्षशाली आदमी है, वैसे शिक्षित भी है, अच्छे आदमी है, विकास करेंगे हमारे वार्ड के लिए, पूरा वार्ड नंबर 12 इनके लिए बिल्कुल तहे दिल से तैयार है कि इन्हीं को वोट देंगे और इन्हीं को जिताएंगे। बहुत बढ़िया व्यक्ति है, बढ़िया छवि है, ईमानदार आदमी है, बढ़िया काम करेगा और हम उसके साथ हैं। क्या पूरा वार्ड उनके साथ है? हाँ, पूरा वार्ड उनके साथ क्या है। क्या उम्मीद लगती है आप लोगों की इसके? उनको उम्मीद लगती है जीतेंगे और बढ़िया वोटों से जीतेंगे। मेवाट टाइम्स के लिए किशनगढ़ बास से विजय सिंह की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।